नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, यानी कि मध्य प्रदेश एमपीजी के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह के अभी तक 18 टेस्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ये है आपका 19वां। ठीक है, याद रखिए, अगर इससे पहले आप लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर होगा और आपको बेहतर फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप परीक्षा तो तभी देते हैं, टेस्ट तो तभी लगाते हैं जब आपकी तैयारी एक अच्छी लेवल पर पहुंच जाती है। तो इसे देख लें, और हमारी तरफ से भी आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर किया गया है। करीब 17 घंटे की क्लास है आपकी, एक ही क्लास है पूरी, और ये सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है उसमें डली हुई है। अगर आप उसे कवर कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से उनमें समझाया गया है और बहुत ही साधारण शब्दों में। चलिए, तो 19वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? मध्य प्रदेश पुलिस रेंज आईजी की संख्या है, मध्य प्रदेश पुलिस रेंज आईजी की संख्या है 11। कितनी? 11। ठीक है, याद रखिए, जो भी करंट अफेयर्स में बदलता है, अब जैसे आपका निवाड़ी नया जिला बना है और आगे चल के और कोई नया जिला बनता है, तो करंट से जुड़े रहिए। इसके लिए जो भी बदलता है करंट में आपका कवर होता जाएगा, और जो स्थायी है, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो ये आपका 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। अब ये बदलने वाला नहीं है कभी, ये स्थायी पॉइंट है आपका। ठीक है, और ये बदल सकता है। मध्य प्रदेश पुलिस रेंज आईजी की संख्या आगे बढ़ भी सकती है, तो इसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए और इन्हें आप लोग याद करिए। जो स्थायी पॉइंट हैं और जो बदलने वाले नहीं, उन्हें आप लोग अच्छे से याद करके रखिए। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया कब हुआ? 27 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 3, नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किस रीति से किया जाता है? तो अभी तक प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से किया जाता है, लेकिन आगे अगर ये बदले तो आप लोग जुड़े रहिए करंट अफेयर से। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 4, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? आपके मध्य प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो ये आपका 30 अप्रैल 1977 को। अब आप सोचिए, ये पॉइंट तो बदलने वाला है नहीं, ये सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन उससे 1977 से बाद की तारीख दे दे, डेट दे दे, या पहले की डेट दे दे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं। तो इसलिए ये तो आपका फिक्स पॉइंट है, यानी कि स्थायी पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्योंकि तैयारी के दौरान एक बात हमेशा याद रखिए, ये पढ़ने से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन दोनों पॉइंट में सबसे ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है ये तो सबको पता है, 2-4 किताबें रख लेंगे अलग अलग लेखकों की, अलग अलग कोचिंग से नोट्स निकलवा लेंगे, वो रख लेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन उनमें से क्या नहीं पढ़ना है, अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगी परीक्षाएँ। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है 5वां क्वेश्चन? कलेक्टर स्थानीय स्वशासन की किस संस्था का पदेन सदस्य होता है? तो ये होता है आपका जिला पंचायत का। 5 में आपका सी। क्वेश्चन है आपका 6, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है? 54,903। कितनी? 54,903 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ए है। क्वेश्चन है आपका 7, निम्न में कौन सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे? तो ये आपके शिवराज सिंह चौहान है। 7 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है 8, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? प्रकाश चंद सेठी रहे हैं, गोविंद नारायण सिंह रहे हैं, श्री डीपी मिश्रा भी रहे हैं, लेकिन श्री वीसी शुक्ला नहीं रहे हैं। तो 8 में आपका सी होगा। 8 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारा 9, बीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो बीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने थे भारत मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश को पहले मध्य भारत कहते थे, पता है आपको। चलिए 10वां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया। 10 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 11, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? 243 में। याद रखिए, इसका राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है राज्यों के चुनाव कराना, जिनमें आपके पंचायत, नगर पंचायत, जनपद, इस तरह की जो भी स्थानीय चुनाव होते हैं। विधानसभा का आपका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक। क्वेश्चन है हमारा अगला 12, क्या है? मध्य प्रदेश में सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। कब? 1964 में। 12 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 13, क्या है? 13, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन 1995 में किया गया था। क्वेश्चन है हमारा 14, मध्य प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 16 दिसंबर 1992 में। ठीक है, 14 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 15, मध्य प्रदेश विधानसभा में लोकायुक्त के गठन के लिए प्रथम बार विधेयक कब पारित किया गया? तो ये आपका 1975 में। 15 में क्या होगा? बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्या है क्वेश्चन 16? मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 2010 में। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम आपका 2010 में पारित किया गया। क्वेश्चन है 17, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ये 1994 में। 17 में आपका सी। 18, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन के प्रथम आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके एनबी लुहानी। 18 में क्या होगा? आपका ए। क्वेश्चन है 19, वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य कर रही है? तो याद रखना, त्रिस्तरीय। 19 में क्या होगा? आपका सी। क्वेश्चन है हमारा 20। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टावी सीतारामैया। प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा आपका? पी ऑप्शन सही। उसके बाद क्वेश्चन है वह आपका 21। निम्न कथनों पर विचार करना है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री कुंजीलाल दुबे थे, सही है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी थे, ये भी सही है। मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त श्री TN श्रीवास्तव थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि 21 में आपका तीनों कथन सही होंगे। क्या होंगे? तीनों कथन सही होंगे। क्वेश्चन है हमारा 22। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है? मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें हैं, सही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें आपकी 29 हैं, ये भी सही है। मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति को 6 आरक्षित सीटें हैं, ये भी सही है। मध्य प्रदेश के से लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति को 6 आरक्षित सीटें हैं, ये आपका गलत है। तो क्या होगा? 22 में आपके ABC तीनों सही होंगे, लेकिन D आपका असत्य होगा। 22 में आपका D। क्वेश्चन है आपका 23। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री बाद में गृह मंत्री बना? तो ये थे आपके प्रकाश चंद सेठी। क्वेश्चन है आपका 24। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना राज्यपाल। 24 में आपका क्या होगा? B। 24 में आपका B होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 25। क्या है? क्वेश्चन है 25। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये आपका 3 बार। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। क्वेश्चन है आपका 26। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू की गई? 2004 में हुई थी ये। क्वेश्चन है आपका 27। नगर पालिका निगम अधिनियम 1994 को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? अनुसूची 12 में। 27 में आपका D। क्वेश्चन है 28। मध्य प्रदेश में जिला सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई है? मध्य प्रदेश में जिला सरकार की स्थापना 1999 में हुई थी। क्वेश्चन है 29। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ? 1972 में। क्वेश्चन है आपका 30। भोपाल गैस दुखांतिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल गैस त्रासदी हुई उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अर्जुन सिंह। कौन थे? अर्जुन सिंह थे इस समय मुख्यमंत्री। क्वेश्चन है 31। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है आपका जबलपुर। क्वेश्चन है आपका 32। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ है? जबलपुर से। तैतीस। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? नीमच में। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? नीमच में। क्वेश्चन है 34। क्या है? निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें। प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना, प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला अगेवाल जी, प्रथम महिला आईपीएस कुमारी आशा गोपाल, प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी आपको बताना है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही था 34 में। क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से किस शहर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या खंडपीठ नहीं है? भोपाल में नहीं है। मैनपीठ आपकी जबलपुर में है और इसकी खंडपीठ आपकी इंदौर में भी है और ग्वालियर में है। तो याद रखना मैन आपकी जबलपुर में है। क्वेश्चन है आपका 36। मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी सागर में है। सैंतीस। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका भोपाल में है। 38। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कॉलोनी कहाँ है? होशंगाबाद में। 38 में आपका बी है। चलते हैं 39 की तरफ। क्वेश्चन 'निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज आपके 11 हैं, सही है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र सागर में स्थापित किया गया, सही है। होमगार्ड पैरा पुलिस फोर्स का मुख्यालय भोपाल में है, ये भी सही है। पुलिस स्मृति दिवस आपका 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपका गलत है। तो 39 में क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है आपका 40। नरोन्या प्रशासनिक अकादमी स्थित है, कहाँ है? भोपाल में है। एक बात हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि आते हुए भी आपके क्वेश्चंस कई गलत हो जाते हैं सिर्फ आपकी गलती से, क्योंकि आप धैर्य के साथ पढ़ते नहीं। वो क्या पूछ रहा है तो उसे अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। क्वेश्चन है आपका 41। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश देश का राज्य है, प्रथम राज्य। क्वेश्चन है हमारा 42। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन है 43, शाजापुर एवं उज्जैन जिले किस खंडपीठ के अंतर्गत आते हैं? ये इंदौर के अंतर्गत आते हैं। चवालीस, अपराध प्रशिक्षण केंद्र स्थित है सागर में। 44 में ए। क्वेश्चन है 45, मध्य प्रदेश में विशेष सशस्त्र बल एक्ट कब लागू किया गया? 1968 में। कब? 1968 में। क्वेश्चन है आपका 46, मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना है भोपाल। 46 में आपका ए है। क्वेश्चन है 47, हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई भोपाल में। क्वेश्चन 48, स्वान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है भदभदा में। कहाँ? भदभदा। क्वेश्चन है 49, विदेश में पुलिस जिलों की संख्या आपकी अब 52 हो गई। कितनी? 52। कई जगह अभी 51 भी दी हुई है, ठीक है। अगर 51 आता है ऑप्शन में, 52 नहीं आता है, तो आपको 51 लगा के आना है। और जैसे ही आपकी 2021 की जनगणना के नए आंकड़े आएंगे, उसमें निवाड़ी जिले के बारे में पूरी जानकारी समाहित कर दी जाएगी, ठीक। क्योंकि आपको पता होगा जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, लेकिन अभी भी कई बुक्स में आपका दतिया दिया गया है जनसंख्या के हिसाब से छोटा। तो आपको याद रखना है कि अगर जैसे ही 21 की जनगणना आएगी, सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी जो पूछता है, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए जाते हैं, उसी हिसाब से आपको लगाना है। अगर इंटरव्यू में कहीं पूछता है तो आपको बता देना है सर कि है निवाड़ी अभी जो नया जिला है बना हुआ है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से छोटा है, लेकिन 2021 की जनगणना के बाद आपके आंकड़े अच्छे से अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 50, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं बीपी दुबे। कौन है? बीपी दुबे। 51, किशोर बंदी गृह स्थापित किए गए जबलपुर में, नरसिंहपुर में। सही हैं दोनों। क्वेश्चन है 52, मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज आपका सागर में है। 53, मध्य प्रदेश कारागारों में बंदियों के लिए योग शिक्षा कब से अनिवार्य की गई? तो ये आपकी 1995 से। 53 में आपका सी है। तो चलिए, ये था आपका 19वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 20वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे।